एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बाएं पैर में चोट आई है, जिसकी वजह से प्लास्टर करना पड़ा है। पैर में दर्द है, रक्त जांच की गई है, रेडियोलॉजिकल टेस्ट एमआरआई टेस्ट भी हुआ है, फिर से जांच होगी। राज्य सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी ने चुनाव आयोग पर उठाया सवाल, कहा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर लगा प्रश्न चिन्ह, पुलिस को निष्क्रिय कर दिया गया है। सिलीगुड़ी से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा ने ममता बनर्जी पर हुए हमले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की स्टार है और उन्हें रास्ते से हटाकर भारतीय राजनीति में सन्नाटा लाने के मकसद से एक निश्चित षड्यंत्र के तहत हमला किया गया। चुनाव प्रचार के लिए निकले आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट के टीएमसी उम्मीदवार मलय घटक ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने जीत का वरदान भी मांगा। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए दुर्घटना को लेकर आसनसोल के सलानपुर इलाके में गुरुवार को टीएमसी कर्मियों ने गृहमंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। बैरकपुर से भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने इस घटना को लेकर कहा कि इस दुर्घटना को 4 से 5 लोगों पर दोषारोपण कर ममता बनर्जी बंगाल को अशांत बनाने का प्रयास कर रही है।